दोस्तों, हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ राजदीप और ये है CSS की फर्स्ट वीडियो। तो HTML हम ख़त्म कर चुके हैं और ये CSS से हम इस वीडियो से शुरुआत करेंगे CSS सीरीज़ की। तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे CSS का इंट्रोडक्शन, CSS क्या होता है, वॉट इज़ CSS, और CSS का सिंटेक्स क्या होता है। और बेसिकली हम शुरू करने से पहले CSS को समझेंगे कि CSS है क्या और CSS बेसिकली काम कैसे करता है और क्या काम करता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूं और उसमें आपको लिख के दिखाता हूं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब स्टाइल का मतलब तो आपको पता ही है, कोई भी चीज़ की स्टाइलिंग करना, मतलब उसको बेटर इंप्रूव करना। शीट का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर स्टाइल शीट लिखा हो। और कैस्केडिंग का मतलब होता है कि एक फ्लो में ऊपर से नीचे की तरफ एक फ्लो होना, कैस्केडिंग का मतलब ये होता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट का बेसिकली मतलब ये हो गया कि हम एक फ्लो में स्टाइलिंग लिख रहे हैं एक पेज की। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि एक दुबला पतला सा इंसान है, एग्जाम्पल के लिए इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये एकदम दुबला पतला सा इंसान है, इसको आप HTML समझिए कि इसमें कोई मसल नहीं है, कुछ भी नहीं है और बहुत दुबला इंसान है। और ये वाला जो इंसान है ये CSS लगाने के बाद है। ठीक है, जैसे ही हम CSS अप्लाई करेंगे वो इंसान ऐसा हो जाएगा। अगर इसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये तो मैंने एक इमेज से बताया, बाकी इससे आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, मैं इंडेक्स में जाता हूँ और इसको खोलता हूँ। तो ये वेबसाइट आपको दिख रही है, ये प्योर HTML है, इसमें CSS का कुछ भी पार्ट नहीं है। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिए, ये वेबसाइट आपको कैसी दिखाई दे रही है, एकदम सिंपल, एकदम बेसिक। जो टेक्स्ट है, मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी, इसके अंदर लिंक्स हैं, इसके अंदर लिंक्स हैं, इसके अंदर ये लिस्ट आइटम है और सारी चीज़ें हैं। तो एकदम बेसिक सी वेबसाइट है। अब क्या हो कि अगर मैं इसके अंदर CSS अप्लाई कर दूँ, तो मैं जाता हूँ इसकी फाइल के अंदर, सॉल्यूशन में, इंडेक्स डॉट HTML को मैं खोलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। और मैंने क्या किया था, इसकी फाइल के नेम चेंज कर दिए थे ताकि इसकी CSS जो है वो हट जाए। अब मैं इसकी CSS अप्लाई करता हूँ। अब आप देखना CSS अप्लाई होने के बाद ये वेबसाइट कैसी दिखती है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, गाइस दिस इज द वेबसाइट। अब इस वेबसाइट को देखिए आप, आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस क्रिएट होता है CSS और विदाउट CSS। ठीक है, इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि CSS और विदाउट CSS में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली आप ये समझिए कि एक ह्यूमन बॉडी जो होती है, उसका जो स्केलेटन होता है, हड्डियां जो होती है, वो HTML, और उसके ऊपर का जो अंदर जो मटेरियल है, जितना भी उसकी स्किन हो गई, उसके अंदर का जो फ्लैश हो गया और जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ है आपका CSS। तो CSS गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, ये तो हो गया कि CSS के बारे में। बाकी अब CSS को हम CSS की एक फाइल देखते हैं और एक बार एक नज़र मारते हैं कि CSS दिखता कैसा है। तो मैं ये स्टाइल वाली जो फाइल है इसको ओपन कर लेता हूँ। चूज अनादर ऐप, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि CSS की फाइल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। बहुत सारा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, फिर नीचे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कुछ लिखी हुई है। ठीक है, ये आप देखिए, इस तरह से कुछ CSS फाइल होती है। HTML से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, HTML से लिखने का तरीका अलग होता है। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एक चीज़ भी लिख के बताऊंगा कि हम उसको कैसे लिखते हैं। तो इस तरीके से एक CSS फाइल दिखती है, सिंपल। यहाँ पर हमारा ये होता है और उसके बाद यहाँ पर कुछ ये चीज़ें होती हैं। अभी क्या होती है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ, इसको सेव कर दूंगा मैं डेस्कटॉप पर ही, और इसका नाम दे देता हूँ मैं स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, सेव कर देता हूँ। सबसे लेते हैं हम H1। ठीक है, तो हमारे पेज में मान लो कि एग्जाम्पल के लिए H1 ऑलरेडी है और H1 को हम स्टाइल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम H1 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद H1 जो है इसको हम बोलेंगे सिलेक्टर CSS में, और उसके बाद ये जो दो आपको दिख रहे हैं ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इसमें हम लिखेंगे डिक्लेरेशन। ओके, तो यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कलर, कलर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं रेड। ठीक है, अब गाइज इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, इतने पार्ट को, और इसको हम बोलते हैं वैल्यू। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा सिलेक्टर,
ये हमारा डिक्लेरेशन है इतना पूरा, और यहाँ पर हमारी है प्रॉपर्टी, और यहाँ पर है हमारी वैल्यू। तो जब मैं इस वाली फाइल में जाऊँगा तो आप देखेंगे कि मेनली आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपका सिलेक्टर है, ये आपका प्रॉपर्टी है, और ये आपकी वैल्यू है। प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर यहाँ सिलेक्टर आया, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इस तरीके से बेसिकली हम CSS को लिखते हैं। और भी दूसरे तरीके होते हैं CSS को लिखने के, जैसे कि सैस और लेस, ये प्री प्रोसेसर्स होते हैं, तो इसके भी ट्यूटोरियल्स मैं बनाऊंगा। उसके जरिए आप CSS को और फास्ट लिख पाते हैं, बट बेसिकली अभी हमको सिर्फ CSS समझना है कि CSS क्या होता है और CSS को हम बेसिकली कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से CSS को अलग अलग तरीके से एक HTML पेज में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।